हिंदुस्तान टुडे, जनता की आवाज। नमस्कार, मैं अक्षय श्रीवास्तव हिंदुस्तान टुडे में आपका स्वागत करता हूं। पूर्व मंत्री इमरती देवी के खिलाफ बघेल समाज ने एसपी को दिया ज्ञापन। समुदन निवासी धर्मेंद्र बघेल को धमकी देने पर बघेल समाज के नेताओं ने पुलिस अधीक्षक से की शिकायत। बघेल समाज द्वारा पूर्व मंत्री इमरती देवी पर FIR दर्ज कराने की मांग। पीड़ित धर्मेंद्र बघेल को सुरक्षा मुहैया कराने को लेकर दिया ज्ञापन। इमरती देवी द्वारा जान से मारने की धमकी का भी आरोप। हैंडपंप और बिजली की समस्या को लेकर धर्मेंद्र बघेल और इमरती देवी का ऑडियो हुआ था वायरल। देखते रहिए हिंदुस्तान टुडे। ये कब की घटना दरबार में घटना कब की है? कल की बात की थी वीडियो वाले ऑडियो वाले ठीक है, चलो आ जाओ बद्दे जी। अरे कैमरा डाल। धर्मेंद्र बघेल, आज आप आवेदन देने आए, किस चीज़ का आवेदन देने आए? मेरे लिए धमकी दी गई थी कल, आपकी आंखें फड़वाई दी जाएंगी, आपको ये करवा दिया जाएगा। किसने दी थी? इमरती देवी विधायक, डबरा मंत्री, पूरा मंत्री रह चुके हैं। हमने मैं बहुत दिनों से मांग कर रहा था एक ट्रांसफार्मर, एक हैंडपम्प के लिए 2 साल से लगातार मांग कर रहा था, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई, ना कोई DP रखी, ना कोई हैंडपम्प लगा। और ये बोल रही थी ना कोई ना ये बोल रही थी ना आपका वोट चाहिए मेरे को, ना आपका कुछ चाहिए, लेकिन ना आपके घर पे DP लगेगी, ना ही हैंडपम्प लगेगा कभी। किसने बोला था? इमरती देवी। आज आपने मुकदमा करने की मांग की, क्या आश्वासन दिया? मैंने इसमें मुकदमा दर्ज कराने की मांग की है, तो मेरी सुरक्षा के लिए इंतजाम किए जाएं, SP साहब जैनों का एक लाइसेंस भी दिया जाए। जान से मारने ही तो हाँ, मेरे पास बहुत कॉल्स आ रहे हैं, भयभीत कर रहे हैं। क्या भयभीत कर रहे हैं? क्या आपने बहुत अच्छा किया है मंत्री जी के साथ पंगा लिया है, बहुत अच्छा नहीं होगा पढ़ना। आज के द्वारा ज्ञापन दिया गया है और ज्ञापन में जो लिखित तथ्य हैं उस पर अभी हम एक बार ज्ञापन देख लें, पूरा विषय क्या है उसके पश्चात ही आगे कुछ बता पाएंगे। सर, सुरक्षा की मांग भी की है, परिवार को डर है। उन्होंने ऐसा बताया है ज्ञापन में जो विषय लिखे हैं उसके अनुसार उन्हें सुरक्षा दी जाए, तो मैं पहले एक बार ज्ञापन देख लूँ, अभी आप लोगों ने समय दिया मुझे। कंपू थाने में जो प्रकरण दर्ज हुआ है, फरियादी ने कंप्लेंट की थी, उसकी प्राथमिक जांच की गई और जांच के पश्चात जब ऐसा देखा गया कि उनके साथ धोखाधड़ी हुई है तो प्रकरण दर्ज किया गया कंपू थाने में, विवेचना प्रारंभ की गई है, आवश्यक दस्तावेज इकट्ठे करने के पश्चात आरोपियों की गिरफ्तारी वगैरह की जाएगी।